प्रिय बच्चों, जीव विज्ञान में कुल 5 इकाई है, जिसमें प्रथम इकाई में कुल 5 कुल 4 अध्याय है, जिनमें प्रथम अध्याय जीवों में जनन है, दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लिंगी जनन है, तीसरा अध्याय मानव जनन, चौथा अध्याय जनन स्वास्थ्य है, अध्याय 1 जीवों में जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जीवन अवधि जिसे अंग्रेजी में लाइफ स्पान भी कहते हैं, अवधि का शाब्दिक अर्थ है किसी भी प्राणी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय है इसे कहते हैं जीवन अवधि। हर प्राणी का जीवन अवधि अलग जात में अलग अलग होता है, जैसे कौवा है इसका जीवन अवधि 15 वर्ष, तोता है इसका जीवन अवधि 140 वर्ष। तो जीवन अवधि का जो है किसी प्राणी के आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है, अलग अलग जातियों के प्राणियों का जो जीवन अवधि है वह अलग अलग होता है। इस प्रकार जीवन अवधि का शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे प्राणी जो है हर जातियों की संख्या जो है या हर जात की निरंतरता जो है बनी हुई है। निरंतरता बनने का कारण यह है, कोई कोई कारण है, यह कारण है कि जनन। देखिए बच्चों, है ना, तो जनन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यहाँ पर जो है
हर जातियों की निर्धनता बनी हुई है। तो जन्म की परिभाषा क्या है? जन्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अपने ही समान जीव को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। यह है परिभाषा जनन की। कोई प्राणी जो जिस जात का है उसी जाति के सदस्य को उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए, जन्म जो है दो प्रकार का होता है, पहला अलैंगिक और लैंगिक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक, लैंगिक जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन के दो टाइप हैं, एक आपका जो है अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर एक अलैंगिक जनन के बारे में। कौन जनन? अलैंगिक। अलैंगिक की परिभाषा है, इस विधि के द्वारा जो प्राणी बनते हैं उसमें केवल एक ही जनन भाग लेता है। मतलब अलैंगिक जनन जो है, इसके द्वारा प्राणी को बनाने में एक ही जनक की सहभागिता होती है। इस प्रकार जो प्राणी बनते हैं वो आकार में समरूपता में साथ साथ आनुवंशिकी में भी समान होते हैं। कुल मिलाकर के अलैंगिक विष से तैयार प्राणी या संतति को क्लोन भी कहा जा सकता है। अलैंगिक जनन में कई प्रकार है, जैसे नंबर एक कई जगत है, जीव जगत में पाल, जैसे आपका है मोनेरा, मोनेरा जगत व प्रोटिस्टा जगत में जनन की सबसे सरल विधि है। जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा में जनन की अलैंगिक सबसे सरल विधि है। अब देखिए सरल विधि क्या है, इसमें है जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इसमें एक कोशिका जो है दो कोशिका में बढ़ जाती है और प्रत्येक संतत कोशिका से जनक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जो जनन चलता रहता है, जैसे एक प्राणी है अमीबा, अमीबा, अमीबा में जनन अलैंगिक होता है कोशिका विभाजन द्वारा। अमीबा है, एक अमीबा से जो है इसमें कंडक्शन होता है, और एक अमीबा जो है दो अमीबी में बढ़ जाती है। यही अमीबी जो है वृद्धि करके
जनक अविभाज्य समरूप हो जाते हैं और पुनः जो है जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक कंडीशन है अमीबा में, है ना, उसका विभाजन। इसी प्रकार जो है क्या कहते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा हो गया, एक फंजाई आता है, जगत फंजाई। जगत फंजाई में जनन अलैंगिक की विधि है बीजाणु द्वारा और लिंगी जनन, और लिंगी जनन की विधि है बीजाणु द्वारा, जिसे अंग्रेजी में स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कवक जो है, कवक कोशिकाएं और बीजाणु का निर्माण करती है, ये बीजाणु जो है अनुकूल समय में अंकुरित होकर के नए कवक का निर्माण करते हैं। जैसे पेनिसिलिनियम, इसमें जो है कुनरिया द्वारा होता है, कुनरिया द्वारा। कुनरिया इस तरीके जो है ये पेनिसिलिनियम है, इस तरीके जो है बनते हैं कोनिडिया, है ना। यही कोनिडिया जो है इसे बोलते हैं कोनिडी स्पोर, यही स्पोर जो है इससे अलग होकर के फिर अनुकूल कंडीशन पाने पे अंकुरित होकर के नए कवक का निर्माण करता है। इसी प्रकार अलिंगी जनन में दूसरी विधि है जिसे कहते हैं मुकुलन, मुकुलन। अलिंगी जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक दूसरी विधि है जिसे कहते हैं मुकुलन, मुकुलन। इससे कहते बोलते हैं बडिंग, इसे कलिका भी कहते हैं। मुकुलन द्वारा जो अलिंगी जनन है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ईस्ट में, ईस्ट या फंगस है, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जनक कोशिका में जो है ये जनक कोशिका है, जनक कोशिका, जनक कोशिका है, इसमें वृद्धि होती है जिसे बोलते हैं आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ। इसी आउट ग्रोथ को बोलते हैं बड। इसके बाद जनक कोशिका का जो केंद्रक है इसका डिवीजन होता है, ये केंद्रक है, केंद्रक का होता है डिवीजन। फिर केंद्रक जो है डिवीजन के बाद जनक कोशिका से पुत्री कोशिका भी पहुंच जाता है, ठीक। अब इसे बोलते हैं पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, यह आपका जनक कोशिका है, जनक कोशिका। पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका जनक कोशिका से अलग होकर
साथ साथ वृद्धि व विकास कर मातृ कोशिका में बदल जाती है और पुनः जनन प्रक्रिया शुरू कर नए कवक का निर्माण करती है। तो बच्चों, जैसा आपने देखा, यह जो है जनक कोशिका है, एक केंद्रक है। जनक कोशिका में आउट ग्रोथ होती है, जिसे बोलते हैं बढ़ वृद्धि। आप देख रहे हैं कि ये जो आउट ग्रोथ है, इसे बोलते हैं बढ़ कहते हैं या मुकुल। बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद इसका केंद्रक जो है विभाजित होता है, केंद्रक है, बाद में बड़ वाले भाग में जो है केंद्रक पहुंच जाता है, है ना। इस प्रकार ये भी एक जो है पूरी कंप्लीट कोशिका हो जाती है। यह कोशिका कुछ समय बाद जनक कोशिका से अलग हो जाती है, जिसे बोलते हैं संतत कोशिका या पुत्री कोशिका। यही पुत्री कोशिका जो है बड़ी होकर के विकास वृद्धि करके मातृ कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है और पुनः जो है मातृ कोशिका यानी जनक कोशिका की भांति जो है अपना डिवीजन जो है शुरू कर देती है। तो इस प्रकार जो है यह जो है जो मुकुलन है द्वारा जनन है, मुकुलन और लिंगी जनन का एक विधि है और ईष्ट जो है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे, इसी प्रकार जो है अलिंगी जनन का जो तीसरा प्रकार है, जिसे कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन